हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कार्गो मूवी के बारे में, जो कि फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ये एक इंडियन साइफाई मूवी है जिसकी ओवरऑल लेंथ करीब 1 घंटे 53 मिनट की है। इसमें हमें नजर आते हैं विक्रांत मसे, श्वेता त्रिपाठी और स्पेशल अपीयरेंस में हंसल मेहता, कोंकणा सेन शर्मा और ऋत्विक भौमिक। खैर, ये मूवी की कहानी शुरू होती है अर्थ से, जहां पर इंसान और राक्षस इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। फाइनली अब इन दोनों में समझौता हो गया, राक्षस मनुष्य त्रिति पीस। यहाँ पर जो राक्षस देखने को मिले वो फ्यूचरिस्टिक राक्षस है, यानी कि यहाँ पर वही पुराना सेम राक्षस जो आपने कई बार फोटोज में देखा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो राक्षस है उन लोगों में अलग अलग तरीके की पावर्स है और वो लोग दिखते सेम इंसानों की तरह है, लेकिन इन्हीं में से एक राक्षस ने एक अलग तरीके की सर्विस शुरू किया जिसका नाम है पोस्ट डेड ट्रांसिशन सर्विस। अब इसमें वो लोगों ने 6 अलग अलग स्पेसशिप बनाई जिसमें अलग अलग राक्षस एस्ट्रोनॉट भेजे। उनमें से एक राक्षस एस्ट्रोनॉट है प्रहस्ता, यानी कि विक्रांत मसे। अब बेसिकली इन एस्ट्रोनॉट का काम ये है कि जो भी अर्थ पे मरेगा तो वो इन पर्टिकुलर किसी भी एक स्पेसशिप में जाएगा, वहां पर उस डेड पर्सन की वो लोग मेमोरी इरेज करेंगे और उसके बाद उनको एक्सट्रैक्ट कर देंगे पुनर्जन्म के लिए। अब खैर, इस काम को प्रहस्ता पिछले 75 सालों से कंटिन्यूस कर रहा था और इन पूरे 75 सालों में वो अपने स्पेसशिप में अकेला था, लेकिन ये अर्थ में सिर्फ अपने ऑफिस के एक ही एम्प्लॉय से बात करता था, वो भी CTR मॉनिटर के थ्रू, जिसका नाम था नितिज्ञ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब डिपार्टमेंट की तरफ से प्रहस्ता के लिए एक असिस्टेंट भेजते हैं, यानी कि श्वेता त्रिपाठी के कैरेक्टर युविक्षा को। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। खैर, बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो है जबरदस्त, लाजवाब और एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो आपने इससे पहले इंडियन सिनेमा में तो कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो ये एक, मान लो कि ये मूवी एक प्लेन है जिसको इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के बाद इनको खुद भी नहीं पता कि इस प्लेन को किस तरफ लेके जाना है और प्लस इसको लैंड किस तरह करना है। तो यानी कि ये फिल्म शुरुआत तो बहुत ही अच्छी तरह से होती है, लेकिन उसके बाद इस फिल्म में हमें कुछ भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती जो आपको एक्साइट करे, और आप पूरी फिल्म को बस एक ही होप से देखोगे कि भाई अब तो कुछ ऐसी चीज देखने को मिल जाएगी जो पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। बात करेंगे इस मूवी में कैरेक्टर्स, यहाँ पर इतने ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं बताए, लेकिन जो दो मेन कैरेक्टर है प्रहस्ता और युविक्षा, इन दोनों के बारे में भी इतना ज्यादा नहीं बताया जो हम लोग इजिली उनसे कनेक्ट कर पाए या तो फिर आप उनके लिए इमोशनल फील कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हालांकि प्रहस्ता के लव लाइफ के बारे में और उसके बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पर जानकारी दिया गया, लेकिन वो नहीं थी जितनी होना चाहिए था। उसके अलावा युविक्षा के बारे में बात करें तो उसमें भी इतना कुछ खास यहाँ पर बताया नहीं है, और नितिज्ञ या दूसरे सपोर्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर उनको भी ठीक ठाक ही लिखा है, यानी कि ज्यादा कुछ डिटेल में किसी के बारे में इस पूरी मूवी में करने को नहीं मिला, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। खैर, उसके अलावा इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो था इसकी सिनेमेटोग्राफी, जिस तरीके से उन्होंने एक स्पेसशिप बनाया, यानी कि जो आर्ट डायरेक्शन है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इंडिया की तरफ से अगर इस तरीके की चीजें बनती है तो उसको अप्रिशिएट एटलीस्ट मैं तो करूंगा ही। सिनेमेटोग्राफी में कुछ यूनिक पन तो नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से उन लोगों ने पूरे जो स्पेसशिप को बताया है, जो उसका VFX किया, वो अच्छा लगा मुझे। नॉट बेस्ट, मगर हाँ इंडिया के हिसाब से बहुत ही अच्छी ट्राई है। उसके अलावा इस बात करेंगे इस मूवी की BGM की, तो यहाँ पर जो एक पॉप म्यूजिक का जो टच डाला ना इसमें, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं वो इस मूवी को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता जो कि काफी इम्प्रेसिव है। और उसके अलावा बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो देखिए यहाँ पर लिमिटेड एक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। अब बात करेंगे इस मूवी की कुछ नेगेटिव पॉइंट की। ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जगह पे बहुत यूनिक नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ पे ऐसा लगता है उन लोगों ने सोचा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरह से वो लोग हमें प्रेजेंट नहीं कर पाए, या तो फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो राइटिंग थी वो उसको थोड़ा और भी अच्छे से वो लोग कर सकते थे। मूवी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिया, कुछ ऐसा लिखते जो इस मूवी को ही लेवल पे लेके जाता, तो मेरे हिसाब से ये इंडिया की अब तक की वन ऑफ दी बेस्ट साइफाई मूवी में से एक बन सकती थी। मूवी की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे 53 मिनट की, और मेरे हिसाब से ये एक शॉर्ट मूवी हो सकती थी, या तो फिर इस मूवी की लेंथ ज्यादा से ज्यादा अगर 1 घंटे की होती तो बहुत अच्छा होता। और सच बताओ, अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती ना तो जो इंडियन ऑडियंस है वो इस मूवी को 100% फ्लॉप कर देती, लेकिन जो समझदार ऑडियंस है जिनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे इंडिया की तरफ से कुछ एक अच्छी कोशिश हुई है, तो वो लोग इस मूवी को अप्रिशिएट तो करते, लेकिन वही बात है ना कि पैसा खर्चा करके आप एक नॉन कमर्शियल मूवी क्यों देखोगे जहां पर आपको चीजें तो अच्छी देखने को मिलेगी लेकिन वो चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही, मतलब वो चीजें ऐसा कर गोल 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 घूम रही है। उसके अलावा इस मूवी का जो कॉमेडी हिस्सा है वो आपको भी हंसी आएगी, वो जो सिली डेथ बताई है कि अरे यार वो मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी। हालांकि किसी की डेथ पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वो लोग मरते हैं ना, वो कहीं की जगह पे आपको बहुत ही फनी लगता है। मतलब कौन यार इलेक्ट्रिक सॉकेट में कौन पैन घुसाता है यार वो
तो और एक तो मतलब फिल्मों में स्टंट करने जाता है, और ये क्या बात हुई, मतलब पूरा मम्मी की तरह अपने आपको पट्टी से लपटा, उसको जलाया तो कोई तो बुझाने वाला होगा, लेकिन कोई बुझाने वाला ही नहीं है। उसके अलावा मतलब पकोड़ा या पता नहीं क्या चिकन बिकन कुछ खा के एक आदमी मर जाता, मतलब बहुत सारी सिली डेथ बताई जो मुझे पर्सनली हंसी आ रही थी। अच्छा, इस मूवी की एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि प्रहस्ता यानी कि विक्रांत मसे का जो कैरेक्टर है वो अर्थ में एक लेजेंड कैरेक्टर है, तो जो लोग मर के ऊपर जा रहे थे तो वो लोग इसको पहचान क्यों नहीं रहती, या मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग इसको पहले से जानते या अर्थ पे वो लोग ने इसको नोटिस किए होंगे। और फिर भी मूवी में एक साइड ऐसा जहां पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि प्रहस्ता अर्थ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस की, तो यस ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कोई भी एडल्ट सीन है नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये हिंदू फोबिक है या तो फिर यहाँ पर हिंदू भाइयों का मजाक उड़ाया, तो इस पर मैं कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं जिसके डायरेक्टर है आरती कादव उसको इतना ही बोलूंगा कि बहुत ही अच्छी कोशिश थी आपकी और आपकी पूरी टीम की। मेरे हिसाब से आपको एक और मौका मिलना चाहिए इससे और भी अच्छा काम करने की, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम अरहान एंटरटेनमेंट। और मेरे हिसाब से मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि ये मूवी कुछ अलग कॉन्सेप्ट के लिए जरूर देखना है, लेकिन अगर आपका टेस्ट कमर्शियल मूवीज का, अगर आपको कुछ अच्छी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मूवी देखना, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सर इस वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लाइक करना, नए अच्छे तो डिसलाइक करना। और हाँ, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तीन दिन दुआ में याद रखना।